स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस की क्लासेस चालू कर रहे हैं और आज हमारा पहला वीडियो होगा। आज से अब आप लोग रेगुलर हो जाइएगा क्योंकि अब आपकी रोज क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स की स्टार्टिंग करेंगे और स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर आज हमारा है मापन, इंग्लिश में कहेंगे मीजरमेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीजरमेंट। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारा मीजरमेंट क्या होता है, यानी कि मापन क्या होता है। मापन में जितनी भी चीजें आती हैं उनके हम इर्द गिर्द बात करेंगे, यानी कि उनसे संबंधित सारी चीजों की बात करेंगे। तो मापन क्या है, थोड़ा सा पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि मापन आखिर है क्या। कोई भी वस्तु या हम कहेंगे पदार्थ, उसको हमें जानने की इच्छा होती है कि वो कितनी है, हमारी लंबाई है तो कितनी है, या हमारा वेट है वो तो कितना है। तो ये सब कुछ हम जानने की एक इच्छा है, या इन सबको जानने के लिए हम कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ काम करते हैं। वही सारे काम हमारे क्या होते हैं, मापन में आ जाते हैं। अर्थात किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञान करना ही मापन कह सकता है, या फिर मापन को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मापन हमारा है किसी वस्तु की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अपनाई गई विधियां मापन कहलाती है। अगर हम यहां पर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु को या किसी वस्तु की मात्रा, इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, को ज्ञात करने के लिए अपनाई गई विधियां मापन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विधियां मापन कहलाती हैं। अब ये तो मापन की बात हो गई है, लेकिन हम किन चीजों को नापेंगे? कुछ हमारी राशियां होंगी, तो उन राशियों को आज हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां। क्या कहेंगे? तो मापन को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी फिज कैन मीजर्स, यानी कि वे राशियां जिनको हम माप सके, तो भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनको मापा जा सकता है, तो हम यहां लिख सकते हैं वे राशियां जिनको मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, समय,
द्रव्यमान ताव चाल दूरी वेग त्वरण बल दाब क्षेत्रफल आयतन त्वरण हो गया है, घनत्व आदि। तो बहुत सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनमें से हमने कुछ ले लिए हैं। तो जो बच्चे हमारे किस मीडियम से हैं वो समझ सकते हैं, हमारी लेंथ हो गई, टाइम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डिफिनेशन में बात करें तो डिफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी विच कैन मेजर्स, द क्वांटिटी विच कैन मेजर्स नोन इन फिजिकल क्वांटिटीज, नोन इन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हमारी राशियों की बात हो रही है। अब ये जो राशियां हमारी हैं इनको यहाँ पर दो भागों में बांटे चलेंगे। एक तो हमारी होगी मूल राशियां, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, और दूसरी जो हमारी होगी वो व्युत्पन्न राशियां, इनको हम डेरिवेटिव क्वांटिटीज बोलते हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी राशियां उनको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है, क्लासिफाइड कर लिया। तो क्लासिफिकेशन आप फिजिकल क्वांटिटी, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इनको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक हमारी है मूल राशि, इनको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी हमारी क्या होगी, व्युत्पन्न राशि, इनको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्वांटिटीज। डेरिवेटिव क्वांटिटी। अब सबसे पहले हमारा सवाल है कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियां क्या होती है, हमारी डेरिवेटिव क्वांटिटी या हमारी व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, परस्पर स्वतंत्र होती हैं, यानी कि किसी से मिलकर के नहीं बनी होती हैं या किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं।